किसान भाइयों, अन्नदाता सलाहकार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन बात करेंगे कटाई छटाई के बाद कौन सा स्प्रे करें जिससे कि अगले वर्ष रुख सूख कम आए और कम छटाई अपन को करनी पड़े। तो अभी आपको मैं लेकर आया हूँ ऐसे बगीचे में जिसमें हमने स्प्रे किया था और कटाई छटाई करी थी, उसका परिणाम हमें किस प्रकार से मिला है उसके बारे में अभी अपन विस्तार में जानेंगे। तो जो किसान भाई हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं वो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन घंटी के बटन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन करें। हमारे YouTube चैनल अन्नदाता सलाहकार पर आपको खेती बाड़ी संबंधित संपूर्ण जानकारी विस्तार में दी जाएगी। तरबूज संबंधित, गेहूं संबंधित, लहसुन संबंधित, ओनियन संबंधित, संतरे बगीचे संबंधित, अमरूद संबंधित संपूर्ण जानकारी विस्तार में हमारे YouTube चैनल पर दी जाती है। तो जो किसान पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब अवश्य करें और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य करें। तो अभी अपन बात करेंगे कटाई छटाई के बारे में। तो हमने इसके अंदर बगीचे के अंदर पिछले वर्ष आपने देखा होगा बहुत सारे वीडियो बना रखे हमने, अच्छा खासा फल लेने के बाद इसके अंदर बहुत सारी रुख सूख आई थी, सूखी हुई दहनियाँ थी, तो हमने उसको कटर की सहायता से इस प्रकार से हटाया है। आप देख रहे हो आपके बगीचे में भी इस प्रकार की रुख सूख आती होगी, आप उसको कटर की सहायता से ही हटाएं जिससे कि वह आसानी से क्लियर सफाई हो। तो अभी अपन बात करते हैं इसके अंदर हमने फल तुड़ाई के बाद कटाई छटाई करी थी और कटाई छटाई के 10 दिन बाद हमने इसके अंदर एक स्प्रे किया था जिसकी वजह से आप देख रहे हो काफ़ी अच्छी फुटाव अभी पौधे ने लिए। जैसे यहाँ से हमने कटाई कर रखी है तो इसके पास से अच्छी खासी टहनियाँ फूटी हैं और पौधा बिल्कुल ही स्वस्थ हो चुका है। किसी प्रकार से ऐसा नहीं लग रहा है कि इसके अंदर से हमने बहुत अच्छा और या बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पादन लिया था और पौधे के अंदर बहुत ज़्यादा रुख सूख थी, तो हमने कटर की सहायता से पूरे बगीचे के अंदर से रुख सूख निकाली है और काफ़ी अच्छा अभी फूटा बगीचे ने लिया है। और इस पर अभी फ्लावरिंग भी आई थी पर इस वर्ष फ्लावरिंग बहुत कम थी क्योंकि हमने पिछले साल बहुत ज़्यादा मात्रा में फल लिया था, तो अब इसमें हम दूसरी बहार अभी लेंगे जो कि जून जुलाई में आएगी। अब इसके कुछ समय बाद इसके अंदर हम खेत लगा देंगे और उस प्रकार से लेंगे। अभी देख लो आप फुटाव बहुत ही अच्छा और गहरा है। इसमें हमने जैसे कि इस पर पिछले वर्ष बहुत ज़्यादा मात्रा में रुख सूख थी तो हमने इसकी कटाई छटाई करी थी 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से कटाई छटाई करने के बाद हमने इसके अंदर कटाई छटाई की 10 दिन बाद कॉपर ऑक्सीक्लोराइड प्लस स्ट्रेप्टोसाइक्लिन एंटीबायोटिक फंगिसाइड के साथ में उपयोग किया था तो हमें बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिला है। हमारे अंदर अभी किसी बगीचे के अंदर किसी प्रकार से अभी डाईबैक की समस्या, रुख सूख की समस्या देखने को नहीं मिल रही है, इससे काफ़ी हद तक छुटकारा मिल जाता है। इस वर्ष हमने स्प्रे किया है तो अगले वर्ष हमारे यहाँ पे बहुत कम रुख सूख आएगी। तो किसान भाइयों, अगर आपके बगीचे में भी रुख सूख की समस्या है तो आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 15 लीटर पानी के अंदर 30 से 40 ग्राम और 15 लीटर पानी के साथ स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 2 ग्राम साथ में सिलिकॉन बेस्ड चिपको उपयोग में लें जिससे कि आप अपनी रुख सूख के छुटकारा पा सकें। हमने तो हमारे बगीचे के अंदर काफ़ी अच्छी रिजल्ट देखने को हमें मिला है। अभी तक हमारे बगीचे के अंदर किसी प्रकार से कोई रुख सूख हमें दिखी नहीं जा रही है, किसी प्रकार से नई टहनियों पे इस प्रकार की समस्या देखने को नहीं मिली है और काफ़ी अच्छा फुटाव भी बगीचे ने लिया है रुख सूख के बाद। अगर आप अपने बगीचे के अंदर कटाई छटाई करते हैं तो कटाई छटाई करने से पौधे का कम से कम 1 से 2 वर्ष ज़्यादा उत्पादन देने की क्षमता बढ़ जाती है। तो किसान भाइयों आप भी करिए, क्योंकि पहले हम कटाई छटाई नहीं करते तो हमारे इस प्रकार से पौधे सूखने की समस्या हमने हमारे बगीचे के अंदर देखी थी। आप देख रहे हो इस प्रकार से एक पौधा हमारा सूख चुका है और अभी सारे पौधे में हमने कटाई छटाई करी है और काफ़ी अच्छा फुटाव भी है और फ्लावरिंग भी अच्छी खासी आई थी। बाकी इस वक्त हमने ये वाला फ्लावर नहीं लिया क्योंकि हमें हमारे बगीचे के अंदर काफ़ी अच्छा फुटाव करना था। आप देख रहे हो हमारे बगीचे के अंदर भी फल भी है, कहीं कहीं कुछ फल टिक गए थे तो वो अभी हैं और अभी हम इसके अंदर खेच लगाने वाले हैं कुछ समय के बाद। तो जल्दी हम आपके लिए संतरे से संबंधित नया वीडियो लेकर आएंगे। तो किसान भाइयों जुड़े रहे अन्नदाता सलाहकार यूट्यूब चैनल के साथ जिससे कि हम समय समय पर आपको नई नई जानकारियाँ दे सकें। और जिन किसान भाइयों को खेती बाड़ी संबंधित किसी प्रकार से कोई समस्या है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर कमेंट करें जिससे कि हम उनके लिए नया वीडियो बना सकें और जल्द से जल्द अपलोड कर सकें। किसान भाइयों जुड़े रहें।